हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ मैं आप सबका अपने एक और फ्रेश और नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि जैसा कि एवरी वीक जो बीटा की अपडेट हमें देखने को मिलती है, हर बीटा की अपडेट में कुछ ना कुछ नए फीचर्स हमें देखने को मिलती है और उसी सारे फीचर्स के बारे में आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग को MIUI वर्सन MIUI 12 बाई Xiaomi.eu देखने को मिल जाती है। और उसमें वर्सन की बात कर रहे थे MIUI वर्सन की, तो आप लोगों को 20.6.11 बीटा देखने को मिल जाती है, यानी 11 जून की अपडेट हमें देखने को मिल जाती है। 2020 को ये अपडेट देखने को मिल जाती है। और जैसे कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस आपको देखने को मिली जिसको 20.6.11 की अपडेट देखने को मिल जाती है, इन सभी डिवाइसेस में ये रोम सपोर्ट करती है। रेडमी नोट 7 की भी डिवाइस में सपोर्ट करती है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, रेडमी नोट 7 या रेडमी नोट 7S इन दोनों डिवाइसेज में भी सपोर्ट करती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स से अगर बात कर लेते हैं, हमारे डिवाइस में जो फीचर्स देखने को मिली है, तो सबसे पहले आप लोगों को फीचर्स देखने को मिलेगी अगर आप जाएंगे यहाँ पर डिस्प्ले में और जाएंगे आप स्टेटस बार में, तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलती है यूज न्यू कंट्रोल सेंटर। तो जैसा कि MIUI 12 में हमें जो कंट्रोल सेंटर की सपोर्ट देखने को मिलती है, राइट से स्वाइप करेंगे हमें तो हमारी कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाती है। लेफ्ट से स्वाइप करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन शीट देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग लेफ्ट हैंड से डिवाइस यूज करते हैं और आप लोग लेफ्ट साइड से अगर स्वाइप करना चाहते हैं कंट्रोल सेंटर को, तो आप लोग उसे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो आप लोग सिंपली ये वाले ऑप्शन को इनेबल करना, उसके बाद से आप लोग अगर लेफ्ट साइड से राइट स्वाइप करेंगे, लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो आप लोगों को कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, और अगर राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन शीट देखने को मिल जाती है। तो ये फीचर आप लोगों को आपके डिस्प्ले वाले सेक्शन में जाकर जाएंगे शीट से बाद में, तो आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग को ये वाले ऑप्शन पसंद है, अगर आप लेफ्ट हैंड है, तो आप लोग ये वाले फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगले फीचर्स की, अगली चीजें की बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में। तो अगर आपके पास रेडमी K20 या K20 प्रो है, तो आपके डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सपोर्ट देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपके पास कोई AMOLED डिवाइस नहीं है, तो उसमें आप लोगों को ये वाले फीचर छोड़कर सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर बात करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, तो अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली एप्लीकेशन यहाँ से इस स्टाइल को आप लोग ओपन करेंगे, तो आप लोग ऊपर में एक आइकन देखने को मिल जाती है थीम्स। अगर आप इस पर टैप करेंगे, तो टैप करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कि डायरेक्टली ये MIUI की जो थीम स्टोर है MIUI 12 की, वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप लोग को मल्टीपल्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो आप जो भी स्क्रीन यहाँ से पसंद है, आप लोग सिंपली यहाँ पे उसे डाउनलोड करके अपने फोन में अप्लाई करेंगे, तो वाली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की स्क्रीन जो है आपके फोन में अप्लाई हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, अप्लाई कर लिया। अब मैं आपको लोग इसमें लेकर दिखाता हूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली स्क्रीन पे, तो देख सकते हैं आप लोगों को ये वाली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। मल्टीपल्स ऑप्शंस आप लोगों के डिवाइस में देखने को मिल जाती है, जो भी पसंद आप लोगों को यहाँ से इनेबल करके उसे AOD स्क्रीन में उसे यूज कर सकते हैं। अगली चेंजेस की, अगली फीचर्स की फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, तो वो देखने को मिलती है अगर आप लोग डुअल सिम को अपने फोन में यूज करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर डुअल सिम को अपने फोन में यूज कर रहा हूँ, और अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पर सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क में, तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है रिमेंबर सिम रेफरेंस। इस वाले ऑप्शन को आप लोग इनेबल कर देंगे, उसके बाद से आप लोग जब भी कॉल करेंगे, सपोज अगर आपने किसी नंबर पर कॉल किया है, तो अगर मैं एक नंबर से कॉल करूंगा, तो सेकंड टाइम जब मैं इस नंबर पर कॉल करूंगा, तो वो ऑटोमेटिक आप लोगों को एक नंबर से कॉल जाएगा। तो सिम प्रिफरेंस की सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। अगले चैनल की फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, तो वो भी देखने को मिलती है हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन में। तो अगर लॉक स्क्रीन आपकी डिवाइस में AMOLED स्क्रीन नहीं है, AMOLED पैनल नहीं है, तो आप लोग को सिर्फ वहां पर लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो आप लॉक स्क्रीन में जाएंगे, तो आप लोग को वहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलती है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो आप लोग को सुपर वॉलपेपर की क्लॉक विजेट देखने को मिल जाती है। जैसा कि हमारे सुपर वॉलपेपर के डिवाइस में क्लॉक विजेट देखने को मिलती है, न्यू वाली क्लॉक विजेट, वो आप लोगों को किसी भी नॉन सपोर्टेड सुपर वॉलपेपर डिवाइस में ये लोकेशन की क्लॉक विजेट देखने को मिल जाती है। पहले हमें 3 देखने को मिलती है, अभी हमें 4 देखने को मिल जाती है। तो ये वाले ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं एक और चेंजेस की, वो देखने को मिलती है चार्जिंग एनिमेशन की। तो जैसा कि हम लोग अपने फोन को यहाँ पर चार्ज करते हैं, तो हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ फ्लो देखने को मिलती है। तो अगर मैं आप लोग यहाँ पर चार्ज लगा के यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं आप लोगों को फ्लो वाले चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाती है। आप लोग इस चार्जिंग एनिमेशन को चेंजेस करते रहेंगे। तो ये 3 तरह की आप लोगों को चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाती है, फ्लो, वेव और ग्लो। फ्लो हमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती है, वेव की बात करते हैं तो आप लोगों को मी मिक्स अल्फा की डिवाइस में देखने को मिलती है, और अगर बात करते हैं यहाँ पर ग्लो की, तो ग्लो ये हमें MIUI 12 की बीटा के टेस्टिंग में के टाइम में जब क्लोज बीटा टेस्टिंग होगी तब हमें ये देखने को मिलती है। तो ये 3 चार्जिंग एनिमेशन की सपोर्ट हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड देख सकते हैं आप लोगों को मैं यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में पबजी वाली AOD स्क्रीन भी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर इसे यूज करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। जब भी आप लोग अपने फोन को लॉक करके ऑन करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिल जाती है। हर बार आप लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिल जाती है आपकी AOD स्क्रीन पर। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
जब नेक्स्ट वीक की अपडेट हमें देखने को मिलेगी 20.6.18 की अपडेट देखने को मिलेगी, तो उसमें हमें क्या नए फीचर देखने को मिलेगी उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। तो चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिएगा, ताकि मैं जैसे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले देखने को मिलती रहे।